ब्रेक के बाद मैं वेबवी लौट कर आ गई हूँ रेडियो वांची 90.4 एफएम के स्टूडियो में, और शो चल रहा है बातों बातों में। बातों बातों में हमारे साथ बने हुए डॉक्टर कमल कुमार बोस, जो कि सेंट जेवियर कॉलेज में एक शिक्षक हैं, साथ ही साथ हिंदी विभाग के एचओडी भी हैं। सर, आपसे बातों का सिलसिला हम फिर से शुरू करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि सर, हिंदी के क्षेत्र में जो छात्र जा रहे हैं उनके लिए क्या करियर ऑप्शन है? देखिए, अपने कॉलेज में जब मैं काउंसलिंग करता हूँ तब हमारे पास बच्चे आते हैं, और बच्चों को देखिए, बच्चों का कोई दोष नहीं है, बच्चों को हमें आंख देनी है, बच्चों को हमें बताना है कि क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। अब वो देखा देखी बच्चे देखा, चूंकि उसका दोस्त ये पढ़ता है तो उसे भी वो पढ़ना चाहिए, ये जो मनोवृत्ति आजकल के बच्चों के मन में है, इसे समझाना पड़ता है कि तुम अपनी योग्यता रुचि प्रवृत्ति के मुताबिक विषय चुनो। अगर विषय का चयन सही होगा तो तुमने आधा सफर पूरा कर लिया, ये माना जाना चाहिए। अगर विषय का चयन ही गलत हो जाएगा तो फिर पूरे सफर में आपको तकलीफ होगी। इसलिए बिना भावना में बहे हुए, अपने आप को पहचानते हुए, अपनी क्षमता को आंकते हुए जो कुछ हम पढ़ें उसमें हम अव्वल करें। जमाना अव्वल होने का है, डिग्री पकड़ करके घूमने का नहीं है। आप जो कुछ भी पढ़ेंगे उसमें आप बेहतर करें, बेहतरीन आप करें, बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाएं, ये जरूरी है। इसके लिए एकदम ईमानदारी पूर्वक आपको अपने आप को जानना चाहिए कि आपको क्या पढ़ने से। जैसे मैंने कहा कि मैं साइंस अच्छा नहीं कर रहा था, साइंस में मैं बहुत मुश्किल से जितना अंक लाया उससे अधिक अंक आना चाहिए था, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि मैं साइंस के लायक नहीं हूँ, साइंस की मती गति मुझे नहीं है। तो मैंने निर्णय लिया कि नहीं, मैं जो कुछ हिंदी में पढ़ूंगा, हिंदी में मुझे सर्वोच्च स्थान मिला है, बी में भी, एम ए में भी। तो मुझे लगा कि नहीं, मैंने चुनाव ठीक किया है, चयन ठीक किया है। उसके बाद जब हिंदी पढ़ करके जब मैंने अपने आप को आजमाया तो मैं आपको बताऊं कि मेरे पास जब मैं अच्छी के पढ़ने पलटता हूं तो करीब 7-8 अलग अलग किस्म के मेरे पास नियुक्ति पत्र हैं। हर जगह हिंदी के मैंने इंटरव्यू दिए हैं और विश्व की दया से हर जगह से मुझे नियुक्ति पत्र मिला है। मैं हिंदी का ऋण ही मैंने आपसे बार बार कहता हूँ, और हिंदी के इंटरव्यू देते वक्त मैंने देखा कि वहाँ पर अंग्रेजी में भी आपको बातचीत करनी है। अंग्रेजी की जानकारी बहुत जरूरी है हिंदी वालों को भी, इसलिए ये कंसेप्ट, ये अवधारणा कि हिंदी वालों को अंग्रेजी से को छूना नहीं चाहिए, हिंदी वालों के लिए अंग्रेजी अस्पृश्य है या अंग्रेजी वालों के हिंदी, ये सब बेकार बात है, बातें बहुत अपसलीट हो गई, पुरानी पड़ गई बातें। बात ये है कि आपको अगर हिंदी में आपको रोजगार चाहिए तो आपको उसके साथ अंग्रेजी का भी जानकारी आपको होनी चाहिए। हर क्षेत्र में हिंदी के रोजगार है, हिंदी के लिए रोजगार का दरवाजा हर क्षेत्र में खुला हुआ है। अध्ययन अध्यापन तो है ही, अध्ययन अध्यापन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और स्कूली कॉलेज विश्वविद्यालय के क्षेत्र में तो हिंदी की जरूरत है ही। इसके अलावे हिंदी ऑफिसर, हिंदी अनुवादक, हिंदी इंटरप्रेटर, भाषांतरक, विज्ञापन, प्रेस मीडिया, हर जगह, हर संपर्क अधिकारी, हर जगह हिंदी की जरूरत। और हिंदी की जब मैं कहता हूँ हिंदी की जरूरत है, वहाँ पर ये बात मैं अपने बच्चों से विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि आप जो हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी साहित्य भी है, हिंदी भाषा भी है। अगर आप हिंदी के विद्यार्थी नहीं हैं, मान लीजिए आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के विद्यार्थी हैं, हिस्ट्री ऑनर्स के विद्यार्थी हैं, लेकिन आपका कामकाज ही, आपके पास जो अभिव्यक्ति की भाषा है, जो संप्रेषण की भाषा है, वो तो हिंदी है। हिंदी होगी, अंग्रेजी होगी, दो ही भाषा आपकी होगी, या आपकी अपनी मातृभाषा होगी, तो मातृभाषा तो घर के अंदर है, लेकिन जो व्यवहारिक भाषा है वो या तो हिंदी होगी या अंग्रेजी या तो अंग्रेजी, अंग्रेजी होगी। अंग्रेजी भी सीमित क्षेत्र में है, यानी आपको व्यापक रूप में हिंदी का प्रयोग आना चाहिए, हिंदी का प्रयोग आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ हिंदी जानना एक अलग चीज है और हिंदी का प्रयोग जानना एक अलग चीज है। किस रूप में, किस जगह पर हम कैसी हिंदी बोले, कैसी हिंदी बोले, ये जरूरी है। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। आगरा में आप जानते हैं कि हिंदी सीखने के लिए बहुत बड़ी संस्थान, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, जहाँ पूरे विश्व के लोग आते हैं हिंदी सीखने के लिए आते हैं। मैं भी कई बार गया हूँ, कुछ ट्रेनिंग में मैं भी कई बार गया हूँ शिक्षण परिषद कार्यक्रम में। तो वहाँ शाम में घूम रहा था, एक ऑस्ट्रेलियन या किसी देश के छात्रावास में गया, तो हमने पूछा कि तब का हाल चाल है, मैं ऊँच निकल गया, तब का हाल चाल है। वो जिसे मैंने पूछ रहा था वो मुझे एकदम अवाक होकर देख रहा है कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, कि वो अभी क्या सीख रहा है। वो शास्त्रीय हिंदी सीख रहा है, वो बने बनाए लीक पर हिंदी, जैसे वो उसको सिखाया जा रहा है कि कोई आपसे पूछेगा बोलिए क्या समाचार है, तो बोलेंगे कुशल पूर्वक हूँ, इसे वो सीख रहा है। हम तो हिंदी सीखे हुए हैं, तो हमने वो हिंदी की जो हिंदी हम बोल चाले बोलते हैं, तब का हाल चाल है। अब का हाल चाल है, इस वाक्य से वो लड़का जो हिंदी सीख रहा है वो परिचित नहीं है, वो प्रॉपर ग्रामर के वे में अभी, हाँ अभी शुरू में जो सीख रहा है वो एक बनी बनाई लीक पर चलने वाली हिंदी वो सीख रहा है, एक तरह शास्त्रीय मानक हिंदी वो सीख रहा है। जब उसमें सीख जाएगा तब मेरी भाषा भी वो समझ जाएगा जब मैं बोल रहा हूँ। तो क्या है कि हिंदी का जो विभिन्न रूप है, एक भाषा के विभिन्न रूप है,
हिंदी बहुत ही समर्थ भाषा है और इसके जो हर भाषा अंग्रेजी में, अंग्रेजी में भी है, बंगला में भी है, हिंदी, इसके जो विभिन्न रूप है उस गहराई तक आपको जाना पड़ेगा, किस शब्द का कब अर्थ कब क्या हो जाता है उसका अर्थ, डूबना पड़ेगा सर, डूबना पड़ेगा पूरा हिंदी में, तब आप हिंदी प्रयोग को जान पाएंगे, हिंदी प्रयोग को। आप जो हिंदी बाजार में बोलते हैं, हम जो हिंदी विज्ञापन के क्षेत्र में बोलते हैं, हम जो हिंदी मीडिया के लिए लिखते हैं या बोलते हैं, सब अलग अलग हिंदी है, सब अलग अलग हिंदी है। इसे बोलते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी, प्रयोजन के मुताबिक हम हिंदी की बात करते हैं, जहाँ जैसा प्रयोजन वहाँ वैसी हिंदी, जो हर जगह हम एक ही हिंदी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हर जगह हम एक ही हिंदी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हर जगह के लिए अलग अलग तरीके का फॉर्मेट बना हुआ है, उसी फॉर्मेट पे उसका प्रयोग हम करते हैं। क्योंकि भाषा तभी सही होगी जब आप भाषा प्रयोग करते समय स्थान, काल और पात्र का ख्याल रखेंगे, कहाँ बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं और किससे बोल रहे हैं, बहुत जरूरी है। अगर आप सभी जगह एक ही तरह की हिंदी बोल देंगे तो लोग नहीं समझेंगे और इस तब भाषा के प्रति विकृति उत्पन्न हो जाएगी, भाषा से विकर्षण उत्पन्न हो जाएगा। आपने सही कहा था थोड़ी देर पहले कि हर भाषा की एक खूबसूरती है। हाँ, बिल्कुल सर। उस खूबसूरती को खूबसूरत ढंग से पहचान पाना उस आदमी की खूबसूरती है। अगर कोई आदमी भाषा की खूबसूरती को पहचान पाता है वो खूबसूरत आदमी है, याद रखिए आप, वो क्योंकि वो भाषा की खूबसूरती को जानता है। अगर आप भाषा प्रयोग ठीक करते हैं तो आपका व्यक्तित्व खिलता है, खुलता है और आप एक खास आदमी के रूप में सामने आते हैं। ये जीवन क्या है, ये जीवन तो भाषा प्रयोग ही, आप सोच के देखें पूरा जीवन भाषा प्रयोग है। हम दिन भर में अलग अलग लोगों से अलग अलग भाषा का इस्तेमाल करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं? बिल्कुल सर। तो आजीवन हम भाषा प्रयोग करते हैं, आजीवन, तो जीवन एक भाषा प्रयोग है, जहाँ हम अलग अलग रूपों में अलग अलग भूमिकाओं में किरदार अलग निभाते हैं हर भाषा का प्रयोग करते हुए। सर, ऐसे भी खुद को आकर्षक दिखाने का सबसे बड़ा जो साधन होता है वो हमारा भाषा, हमारी लैंग्वेज ही होती है। सर, तो मतलब करियर के क्षेत्र में हम बेसिकली कह सकते हैं कि जो लोग जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं अगर उसी क्षेत्र में जाएं तो करियर ऑप्शन बिल्कुल है, बिल्कुल है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, किसी या अदर कोई भी लैंग्वेज हो, किसी भी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आप कोई विषय पढ़े, मैं बच्चों से बार बार कहता हूँ, विद्यार्थियों से, आप विषय कुछ भी पढ़िए लेकिन आपका जो संप्रेषण की भाषा है हिंदी या अंग्रेजी तो ही होगी, हिंदी अंग्रेजी, आप पढ़ के साथ में हिंदी में ही बोलेंगे, हिस्ट्री हिंदी में ही बोलेंगे। हाँ। तो आपकी वो बोलने वाली जो भाषा है ना, कम्युनिकेशन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज के रूप में जो आपकी हिंदी है वो जबरदस्त होनी चाहिए। किसी भी लैंग्वेज की हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अगर नहीं होगी, स्ट्रांग होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप जबरदस्ती बोल रहे हैं, आप जबरदस्त बोल रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए। यस सर। सर, आपने कई कहानियाँ लिखी हैं, कई कविताएं लिखी हैं, तो कुछ एक छोटी सी रचना हमारे लिसनर्स को भी सुनाइए, खांची के लिसनर्स भी बिल्कुल सुनना चाहेंगे सर आपकी जुबान। हाँ, से देखिए, मैं जो कविताएं लिखता हूँ और आजकल तो सुबह सुबह मैं लिखता हूँ और वो सुप्रभात के नाम से आता है, जिसमें मेरी कोशिश ये होती है कुछ दर्शन हो, प्रदर्शन कम हो, दर्शन ज़्यादा हो, कुछ मोटिवेशन उत्प्रेरणा वाली बातें हों, कुछ नसीहतें हों। हमने ये देखा कि समय सबसे महत्वपूर्ण है, समय किसी के लिए समय सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैंने कहा कि सोने का प्रत्येक धागा होता है मूल्यवान, सोने का प्रत्येक धागा होता है मूल्यवान, समय का प्रत्येक क्षण भी होता है मूल्यवान, साधना का दीप है एक एक पल मूल्यवान, समय की मर्यादा रक्षा से बनता है जीवन मूल्यवान। अगर जीवन को मूल्यवान बनाना है तो समय की मर्यादा की रक्षा होनी चाहिए। फिर मुझे लगता है कि देखिए, जो बात हम लोग अभी कर रहे हैं, हर किसी को सपना देखना चाहिए, हर किसी को सपना देखना चाहिए। अब मैं युवाओं से कहता हूँ, जब मैं पूछता हूँ कि तुम बीए पास करे क्या करोगे जी, कुछ लोग बोलते हैं पता नहीं सर क्या होगा, ये इस बात से मुझे बहुत सख्त नफरत है। आपके पास पक्की योजना होनी चाहिए, आप जो समय बर्बाद कर रहे हैं, लगा रहे हैं समय, वो बर्बाद ना करें। जो समय आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके पिताजी का पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, आपका समय आप लगा रहे हैं, तो उसकी प्राप्ति होनी चाहिए, अन्यथा समय जाया हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो समय बर्बाद नहीं करना है और आप सपने देख सकें। सपना कौन सा? सोकर नहीं, सपना खुली आंखों से सपना देखें, जिसको पूरा किए बिना आप सो ना सके। ऐसे सपने जो कि हम खुली आंखों से देखें और उसको पूरा करने के लिए अपनी जीव जान लगा। हाँ, पूरा करने के लिए जब तक पूरा नहीं हो आप सो ना पाए, वो सपना, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। इसलिए कहता हूँ कि जीवन अर्थहीन होता है जब सपने मर जाते हैं, जीवन अर्थहीन होता है जब सपने मर जाते हैं, आशा की ज्योति बुझ जाती है जब विश्वास खो जाता है, प्यार समाप्त हो जाता है जब अपनत्व दूर हो जाता है। सपने जिंदा रहें, प्यार की जिंदगी बनी रहे, जिंदगी तभी बची रहेगी, जिंदगी तभी बनी रहेगी। तो
कुछ छोटी छोटी बातें मैं कहता हूँ, चार पांच छह पंक्तियों में कहता हूँ। और इस रूप में देखिए है क्या, हम लोग की जितनी भी कवायदें हम करते हैं, जो हमारे हम सबकी जो कोशिश होती है, ये कोशिश क्या है, हम सब क्यों, जो आप हम सभी लोग जो कुछ कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, एक ही उत्तर होगा कि जो कुछ हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है हम उसे संतुष्ट नहीं है, हम उसको और आगे ले जाना चाह रहे हैं। अच्छी बात है, यानी जो व्यवस्था है उसे सुव्यवस्थित करना चाहते हैं, जो कुछ हो रहा है और बेहतर हो, हम बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाना चाहते हैं। ये जीवन तो आधा अधूरा है, ये जीवन आधा अधूरा है, लेकिन आधा अधूरा जीवन पूर्णता को प्राप्त करे, पूर्ण हो जाए, जो कभी होगा नहीं, ये हमारी कोशिश ये है कि हम वो पूर्णता को प्राप्त करें। जो टुडे है वो बेहतर नहीं है, हम चाहते हैं कि टुमारो बेहतर हो, तो बेहतर टुमारो की उम्मीद में हम खराब टुडे को जीते हैं, क्योंकि उम्मीद है, उम्मीद क्या है कि जो आने वाला कल है वो बेहतर होगा, फिर टुमारो बनता है टुडे, फिर हम अगला टुमारो का इंतजार करते हैं, और टुमारो फाइनली मरो। यही जीवन चक्र है। yes. लेकिन जो आशा है, जो हमारी उम्मीद है, ये हमारे जीने का क्या कहेंगे उसको टॉनिक है, या जीने का मूल मंत्र है। हम परेशानियों से घबराने वाले नहीं है, परेशानियां तो आएंगी, परेशानियां हमारी परीक्षा लेती हैं। इसलिए युवाओं से मैं कहता हूं, आप जो तनिक परेशान होकर के आप जो आत्महत्या करते हैं, पंखा से झूल जाते हैं, लटक जाते हैं, जीवन को नष्ट कर देते हैं, आपने जीवन को देखा ही क्या है कि जीवन को आप नष्ट कर रहे हैं। ये जीवन आपका नहीं है, ये जीवन ईश्वर का वरदान है, ये जीवन समाज की संपत्ति है, इसे बर्बाद करने का अधिकार किसी का नहीं है। जो चीज मेरी नहीं है उसको हम कैसे बर्बाद कर सकते हैं, तो परेशानियों से परेशान नहीं होना है। जब देखेगी परेशानियां, ये आदमी परेशान नहीं होता है, तो परेशानियां खुद भाग जाएंगी। परेशानियों से परेशान नहीं होना है, बल्कि उनसे लड़ना है और उसे भगाना है। तो खाची के लिसनर, आपने सुना होगा और सर ने बहुत बेहतरीन बात एक बताई कि समय जो है वो बहुत मूल्यवान है, तो उसका उपयोग कीजिए और सपने देखिए, वो भी बंद आंखों से नहीं, खुले आंखों से, ऐसे सपने जो कि आपको सोने ना दे, ना कि सोकर देखिए, बल्कि ऐसे सपने देखिए जो आपको सोने ना दे। सर बातें हुई, बट एक और हम चाहेंगे कि हमारे लिसनर को आपके पसंदीदा सॉन्ग सुनाया जाए, यानी गाने सुनाए जाए, तो सर कुछ बताइए। सदाबहार गायक मुकेश का सदाबहार गीत डम डम डिगा डिगा। चलिए तो लिसनर्स, हम आपको कमल सर के पसंदीदा गाने यानी डम डम डिगा डिगा, जो कि छलिया मूवी का गाना है और इसे गाया है मुकेश ने, तो हम आपको ये सुनाते हैं। मौसम भीगा भीगा डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा बिन पिए मैं तो गिरा हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा बिन पिए मैं तो गिरा हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह तेरी अदा वाह वाह क्या बात है तेरी अदा अरे तेरी अदा वाह वाह क्या बात है अखियां झुकी झुकी बातें रुकी रुकी अखियां झुकी झुकी बातें रुकी रुकी देखो कोई रे आज लुट गया हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा बिन पिए मैं तो गिरा हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह
सनम हम माना गरीब है, हाय सनम हम एजी सनम हम माना गरीब है। नसीबा खोटा सही बंदा छोटा सही, नसीबा खोटा सही बंदा कोटा सही। दिल ये खजाना है प्यार का, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। दम दम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। वाह कितना खूबसूरत सा गाना था ये। इस डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा ने हमारे स्टूडियो के भी माहौल को भीगा भीगा बना दिया है सर। और अब वक्त हो चला है हमारे जाने का भी, तो जाते जाते एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा सर, कल आज और आने वाले कल में आप हिंदी का क्या स्वरूप देखते हैं? हिंदी पहले सिमटी हुई थी कविता कहानी उपन्यास आदि में। हिंदी ने रचनात्मक दीवार से बहुत आगे हिंदी ने अपना सफर पूरा किया है और लगातार कर रही है। हिंदी का जो नया चेहरा सामने उभर कर आया है वह है हिंदी का कामकाजी चेहरा, हिंदी का व्यवहार मूलक चेहरा, हिंदी का प्रयोजन मूलक चेहरा। और इस चेहरे ने हिंदी के भविष्य को बहुत ही उज्ज्वल बनाया है। यही वजह है कि आज विश्व मंच पर हिंदी स्थापित हो रही है, विश्व भाषा के रूप में हिंदी समादृत हो रही है। यही वजह है कि चूंकि पूरे विश्व में हिंदी बोलने वालों की संख्या तीसरे स्थान पर हिंदी है, इसलिए है कि हिंदी बोलने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा लगातार बढ़ रही है। उन हिंदी वालों ने जगह जगह जा करके हिंदी का परचम फहराया है। अब विदेशों में हिंदी सीखकर जब जाते हैं विदेश, तो वहाँ पर हिंदी का जो व्यवहारिक स्वरूप है, चाहे वो अध्यापन के क्षेत्र में हो चाहे जीवन के व्यवहारिक क्षेत्र में हो, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका बेहतरीन लाभ सबको मिल रहा है। तो हिंदी का बाजार एकदम सुंदर है और बाजार की हिंदी इसलिए अलग ढंग से बढ़ रही है। हिंदी का जो बढ़ता हुआ जो वर्धमान स्वरूप है, उस स्वरूप के साथ हमको जुड़ना पड़ेगा, हमको जुड़ना पड़ेगा। जो हिंदी के नाम पर हिंदी कहते हैं उसको, हीन भावनाओं से ग्रस्त हिंदी को मानते हैं, मैं कहता हूँ वो हिंदी नहीं है, वो हिंदी है। वो हिंदी को पहचानिए, उसके साथ रहिए और काम काज रोजगार के रूप में हिंदी का जो हिंदी ने जो अवसर दिए हैं उन अवसरों के करीब जाइए, उसे आजमा के देखिए। और वैसे भी सर कई ऐसे बड़े देश हैं, कई फॉरेन कंट्रीज हैं जो कि हिंदी के लिए एक अलग टीचर हायर करते हैं अपने स्कूलों में, अपने विश्वविद्यालयों में, तो हिंदी का 176 विश्वविद्यालयों में पूरे विश्व में हिंदी की उच्च स्तरीय पढ़ाई हो रही है। तो लिसनर्स सुन लीजिए, हिंदी कोई हीन भावना से देखे जाने वाला भाषा नहीं है, तो ये हमारी मातृभाषा है, इसका सम्मान कीजिए। और इसी के साथ आज बातों बातों में हमारे साथ थे डॉक्टर कमल कुमार बोस सर। सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे रेडियो खांची 90.4 एफएम के स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। इसी के साथ आप सुनते रहिए रेडियो खांची 90.4 एफएम, हम सबका रेडियो, और फिर मिलेंगे हम बातों बातों के अगले एपिसोड में।